आज आदिवासी हमारा अंतर्राष्ट्रीय दिवस है और इसमें पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये संध्या मना रहे हैं हम यहाँ पर कुल्लू में जो देवभूमि है। और इसमें हमारे अखिल भारतीय आदिवासी कांग्रेस की ओर से भी निर्देश हुए थे और माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री और हमारा क्षेत्र सारा लाहौल स्पीति का है। तो इंडिजिनस डे जो मना रहे हैं ये केवल एक किसी पार्टी या संस्था का नहीं है, मगर सभी संस्थाएं इकट्ठे होके, सभी पार्टियां इकट्ठे होके और जितने भी आदिवासी हमारे अनुसूचित जनजाति के लोग पूरे देश भर में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको मनाते हैं, बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और इसको यहाँ पर खास तौर से हमारा लाहौल स्पीति का एक प्रतीक जो दिल है, मैं समझता हूँ जो एक रस है, वो किशन जी ने लायुल ये हमारे सुर संगम के माध्यम से ना केवल आज बल्कि दो दशकों से ज़्यादा से ये मनाते आ रहे हैं। और इन्होंने यहाँ पे जो लय संगीत का दिया और जो वेशभूषा है, जो हमारे ऑर्नामेंट्स पहने हुए हैं जेवरात लोगों ने, और जिस एनर्जी से, जिस शक्ति से नाच गाना और हमारे नौजवान गा रहे, ये सारा हमारा एक श्रद्धांजलि है। हमारे जितने भी पूर्वज रहे हैं उनका कैसा पहनावा था, किस तरह के जगह में रहते थे, किस तरह के खान पीन होता था हमारा और किस तरह के मकान होते थे, वो सारा आज दर्शाया जा रहा है। तो ये एक, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा संदेश है, ना केवल हमारे आदिवासी लाहौल स्पीति के अंदर पर पूरे भारतवर्ष में। और मैं अनुसूचित जनजाति आयोग में भारत सरकार में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहा हूँ और इसका मैं अध्यक्ष भी रहा हूँ। इस नाते मैंने पूरे राष्ट्र भर का दौरा किया है और मैंने ये पाया है कि हमारे आदिवासियों का जो हमारा एक इंटेग्रिटी होती है वो सबसे साफ होती है।